The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपको टेस्ट करवाते हो और कोरोना के लक्षण है और टेस्ट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव टेस्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो अभी बच्चन फैमिली के साथ हुआ कि पहले अमिताभ और अभिषेक इन दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स के टेस्ट नेगेटिव थे। याद रखिए, पहले टेस्ट नेगेटिव थे, दोबारा करने पे अब ऐश्वर्या राय और आराध्या दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल पैदा होता है। इसी सवाल का जवाब आज हम देंगे आपको और समझाएंगे कि अगर आपके टेस्ट नेगेटिव है तो उसके क्या मायने हैं, पॉजिटिव है तो उसके क्या मायने हैं और टेस्ट का क्या मुद्दा है। ये देखिए, इसमें दो तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला जो है रैपिड एंटीजन वाला जो टेस्ट है जो तुरंत बता देता है। अब ये देखिए, अगर तो एंटीजन मिल गया तो मतलब कोरोना है, सीधी बात है। अगर दिखा है तो है, नहीं दिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोर नहीं है। नहीं दिखा तो घर में चोर नहीं है ऐसा नहीं होता, है ना। दिख गया तो चोर तो था। तो इसीलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर नेगेटिव भी आया तो भी आपके 50% चांस है कोरोना वायरस आपके अंदर फिर भी मौजूद हो सकता है। दिख गया तो है, पक्की बात है। तो अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, दैट मींस कोरोना है, और अगर उसमें नेगेटिव है तो उसका हो सकता है कि कोरोना है, ठीक है, फिर भी हो सकता है। अब ऐसे में इसीलिए फिर किया जाता है RT-PCR टेस्ट, RT रियल टाइम PCR टेस्ट, जिसको हमने अलग से एक वीडियो में समझाया, अगर नहीं देखा तो वीडियो वाला देख लीजिएगा। बहरहाल उस टेस्ट में भी अगर दिख गया यानी कोरोना वायरस का DNA मिल गया, जो RNA है, RNA मिल गया तो कोरोना है, नहीं मिला तब भी 30% चांसेस है, 30% चांस है फिर भी आपका पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी आपके अंदर कोविड हो सकता है। सो तब क्या किया जाता है, तब हो सकता है कि RNA वायरस आपके अंदर जो गया है कोरोना अभी उतना मल्टीप्लाई नहीं हुआ कि डिटेक्टेबल हो जाए हर एक स्वैब में हर एक बार लेने से। कई बार ऐसा भी होता है कि कोरोना मुंह से नाक से साफ हो गया है, बिकॉज मे बी आपने कुछ भाप लिया हो, बीटाडीन गरारे करे हैं, तो मुंह से जो स्वाब लिया उससे नहीं आ रहा लेकिन लंग्स के अंदर है, तो मुंह के अंदर टेस्ट नेगेटिव है, लंग्स के अंदर कोरोना डैमेज कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि नंबर एक, अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो आपको पक्की बार तौर पे हम कोरोना नेगेटिव या कोरोना फ्री नहीं बोल सकते। पॉजिटिव है तो आपके अंदर कोरोना है। अगर RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है तो आपके अंदर कोरोना है, नेगेटिव है तो हो सकता है 30% चांस फिर भी कोरोना हो और अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ हो। तो उसको मल्टीप्लाई होने के लिए 24 घंटे दिए जाते हैं, 36 घंटे दिए जाते हैं, कुछ समय बाद 24 घंटे के बाद आपका फिर से RT-PCR किया जाता है, कई बार 36 घंटे के बाद किया जाता है, कई बार चार पांच दिन के बाद किया जा सकता है, चार पांच दिन ऑब्जर्वेशन में रख के, राइट। और अल्टीमेटली फिर जब दोबारा PCR टेस्ट नेगेटिव आता है तब और बिना कोई सिम्टम के हैं, तो अगर सिम्टम है दोबारा PCR नेगेटिव आया तब भी चांस है कि हो सकता है कोविड अंदर ही है, मगर अभी उतना नहीं हुआ कि डिटेक्टेबल हो, अंदर है लेकिन पॉजिटिव फिर भी हो सकता है। अगर फिर पॉजिटिव आ गया तो मतलब कोविड है। वही हुआ आराध्या और ऐश्वर्या जी के टेस्टों में, कि दोबारा टेस्ट करने के बाद उनका कोविड पॉजिटिव आ गया। सो क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, मायने रखता है आपका कॉन्टैक्ट। अगर आप पॉजिटिव कॉन्टैक्ट हो किसी
नॉन कोरोना पेशेंट के आप कांटेक्ट में अच्छे टाइम के लिए आ चुके हो, यानी कि अगर किसी का भी कोरोना पॉजिटिव आया है, चाहे अमिताभ बच्चन जी का हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, कोरोना पॉजिटिव आया है, कोरोना है पक्की तौर पे पता चल गया है, ठीक है, ऐसे पेशेंट ने लास्ट 10 दिनों में किस किस के साथ समय बिताया, उसको कोरोना हो सकता है। अब इसमें लास्ट 10 दिनों में जिस जिस के साथ आधा घंटे से ज्यादा बिताया है, उसको बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके अंदर तो कोरोना गया ही है, ठीक है। अब उसके लिए सिर्फ लक्षण का इंतजार करना है, कब लक्षण आएंगे, कब लक्षण आएंगे। जब लक्षण आएंगे तो कोरोना घोषित, तब टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, चाहे उसका टेस्ट नेगेटिव हो, उसको क्वारंटाइन करना ही करना है, उसका हाई रिस्क है, उसके लक्षण आने के चांसेस ज्यादा है, उसका कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी कैटेगरी, ऐसे लोग जिन्होंने 30 मिनट से कम लेकिन 10 मिनट से ज्यादा बिताए हैं, 10 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट से कम बिताए हो किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ, उनका मॉडरेट रिस्क है। मॉडरेट रिस्क में भी आपको क्वारंटाइन करना है, आपको टेस्ट करना है, एक बार दो बार डिपेंडिंग अपॉन आपके सिम्टम, आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। और तीसरी कैटेगरी है 10 मिनट से कम, अगर 10 मिनट से कम टाइम बिताया आपने पेशेंट के साथ तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। लो रिस्क है तब भी क्वारंटाइन करना है, लो रिस्क है, जीरो नहीं है, तब भी आपको चांस है कि आपको कोविड हो सकता है। सो इसमें से किसी भी कारण के थ्रू आपको कोरोना हो सकता है, कोविड हो सकता है, याद रखिए। ऐसे में अगर आप कांटेक्ट की हिस्ट्री है तो उसके बाद, कांटेक्ट के बाद 2 से 14 दिन के अंदर अंदर आपको सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो सकते हैं। सो 2 से 14 दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, ज्यादातर केसेस में 2 से 4-5 दिनों में हो जाता है। जब भी आपके अंदर अगर इंक्यूबेशन हो रहा है, शुरू हो रहे हैं लक्षण, जिस दिन पहला लक्षण हुआ, जिस दिन फीवर हुआ, जिस दिन गला खराब हुआ, जिस दिन सांस जो सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट गया, उस दिन से अगला 9-10 दिन या ज्यादा ज्यादा 14 दिन आप फैला पाओगे। तो याद रखिए, आपको अपने आप को क्वारंटाइन में रखना है 9 से 14 दिन के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन दैट। और अगर आप सीरियस होंगे, अगर कोरोना का सिम्टम आने के बाद आप सीरियस होंगे तो 3, 4 या 6 दिन के अंदर अंदर हो जाओ। पहले 3 दिन में लंग्स में गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है, जिसकी आनी है, याद रखिए 90%, 80-90% लोगों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसकी आनी है पहले 3 से 4 दिन में लंग्स के अंदर निमोनिया और सांस में दिक्कत शुरू हो जाएगी, चौथे दिन में लंग्स के सीटी स्कैन में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाएंगे, सांस में रेस्पिरेशन फॉल करेगा, SpO2 फॉल करेगा, और छठे दिन में दिक्कतें बढ़ने लग जाती है। जिसकी नहीं बढ़नी है उसकी नहीं बढ़ी, जिसकी 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ या बुखार कम हो गया तो उसको अब कुछ नहीं होगा, अब उसकी शरीर कोरोना से जीत चुका है, ठीक है। सो अगर आपके सिम्टम्स को 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए हैं और आपका कोरोना पॉजिटिव भी है, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जंग ऑलरेडी जीत चुके हैं। 6-7 दिन क्रॉस हो गए हैं, जंग जीत चुके हो, अब जो नफा नुकसान हुआ है उसको थोड़ा समय तो लगेगा, राइट। पोस्ट वायरल सिंड्रोम को मैनेज होने में समय तो लगेगा, चोर घर में आएगा, दीवार दूर तोड़ेगा, जो भी आएगा शरीर, या आपके खिड़की दरवाजे टूटे हैं तो उसको रिपेयर करने में समय लगेगा, वैसे ही कोरोना अंदर गया है, कुछ डैमेज करेगा, डैमेज को रिपेयर होने में समय लगेगा, सिम्टम फिर भी रह सकता है। लेकिन अब 9 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन के ऊपर आप गंभीर जाने के चांसेस आपके नाके बराबर है। या तो आपके 6 दिन हो गए हो और सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं तो आप ICU में होंगे, समझ रहे हैं, या तो फिर आप गंभीर अब नहीं होंगे। तो ये जानकारी थी आपको जो देनी है, कि नेगेटिव टेस्ट पे भरोसा ना करें, कतई ना करें, भरोसा करें सिम्टम पे। अगर लक्षण है तो कोरोना है, अगर लक्षण नहीं है तो कोरोना पॉजिटिव होके भी कुछ नहीं करना है, इलाज हमने करना है लक्षण का, इलाज हमने करना है दिक्कत का, टेस्ट का नहीं। जिसको कोविड पॉजिटिव है उसको क्वारंटाइन करना है, उसको अलग रखना है, उसको प्रिकॉशंस लेने हैं, पर इलाज लक्षण के है। सीरियस पेशेंट तभी होगा जब सैचुरेशन ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन मॉनिटर घर पे होना चाहिए, ऑलरेडी हमने बताया, नहीं है तो वो वीडियो देखिए, सैचुरेशन प्रोब का ऑक्सीजन मॉनिटर घर पे होना चाहिए, कोविड मॉनिटर भी कहा जाता है उसको, जरूर सबके घर पे ऑक्सीजन मॉनिटर, कोविड मॉनिटर होना ही चाहिए, कोई दो राय नहीं।
इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करें, लोगों को बताएं, पता होना सब कुछ आइए. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय. सी यू टुमारो. शेयर इट.